Good morning, dear children. I hope in this pandemic you all are safe at your home. Okay, so today I'm going to start one of the poem which is of our textbook Hornbill, and the title of the poem is The Laburnum Top. आज हम क्लास 11th की हॉर्नबिल की बुक से एक पोयम द लैबर्नम टॉप उसको पढ़ेंगे. The poet of the poem, The Laburnum Top, his name is Edward James Huey. Okay? He also known as Tad Hughes. Edward James Hughes, he was an English poet and as well as a children writer. He used to write the stories about children. Critics frequently rank him as one of the best poet of his generation, okay, and one of the 20th century's greatest writer. Okay, he belongs to 20th century, at the year of 1984 and on. So he served as a poet laureate from 1984 until his death. He was awarded by poet laureate from 1984. Okay, so before starting the poem, I would like to share you some pictures of the laburnum top and goldfinch bird. Okay, the tree, laburnum tree, it is of yellow color, its color is yellow, whereas the bird, we can see there is its face is टैड फ्रेस, बैड फ्रेस इट इज. धारियाँ आपको उनके उस बर्ड के फेस पे दिख रही होगी, बेयर फेस. सो गोल्ड फिंच बर्ड, दिस इज द पिक्चर ऑफ गोल्ड फिंच बर्ड. वाई आई एम डिस्कसिंग दिस टू थिंग, बिकॉज द टोटल पोयम इज बेस्ड ऑन दिस लैबर्नम टी एज वेल एज द गोल्ड फिंच बर्ड. ओके, so very quickly I'm going to introduce you this poem. In this poem, The Laburnum Top, it's really a very beautiful poem which is written by Tad Hughes. Okay, and he is also known as Edward James Hughes or Edward James Tad Hughes. Okay, so in this poem, the poet has used the laburnum tree. उन्होंने इस poem में laburnum tree के बारे में लिखा है, as well as the goldfinch bird, जिसकी picture मैंने आपको starting में दिखाई. So the poem is based on the laburnum tree as well as the goldfinch bird. Okay, so these both are actually the symbol of life and its fluctuations. इन्होंने इस पोयम को लाइफ से रिलेट किया है और लाइफ में कैसे फ्लक्चुएशंस होती हैं, कैसे उतार चढ़ाव होते हैं, उसके बारे में इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है. ही डिस्क्राइब्स द विजिटिंग ऑफ गोल्ड फिंचेस ऑन द लैबर्नम ट्री एंड हाउ शी हैज़ मेड अ नेस्ट ऑन इट. इवन द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट द विजिटर, हु इज़ द विजिटर ऑन द ट्री, लैबर्नम ट्री, गोल्ड फिंच bird. Okay, and how she made her nest on it. Okay, so the poet has discussed in this poem. Even when the goldfinch her chicks, it brings alive the tree as the chicks start to rustle and chip. Goldfinch जो है, जब उनके chicks होते हैं, उनके जब छोटे baby होते हैं, तो वो उनको लाती है वहाँ पे laburnum top पे, लात करके उनको रखती है laburnum tree पे रखती है. ठीक है, Hughes is trying to convey the message that life is a process of exchange and transformation. Hughes जो है, उन्होंने यह कोशिश की है इस पोएट के पोयम के माध्यम से कि लाइफ क्या है, एक प्रोसेस है, किसकी, एक्सचेंज. एक्सचेंज यानी बदलाव करना या ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, एक के बाद दूसरे का आना, ट्रांसफॉर्मेशन. सो People are alive because they are undergo exchange of energy. हम लोग क्या है, अगर आप पूरी यूनिवर्स में देखेंगे तो कहीं ना कहीं
एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, द एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो ये चीज़ हमने साइंस में भी पढ़ी हुई है कि हमेशा क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। सिमिलरली द पोएट हैज़ डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ओके, द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, हाउ इन विच काइंड ऑफ एनर्जी द पोएट हैज़ डिस्कस्ड, वी विल इट लेट डिस्कस इट लेटर, ओके। द गोल्ड फिंचेस ट्रांसफॉर्म द ट्री एंड मेक इट अलाइव, विदाउट द गोल्ड फिंचेस एंड द चिक्स द लैबर्नम इज जस्ट अनदर ट्री। इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाह रहे हैं कि अगर लैबर्नम ट्री में अगर गोल्ड फिंच और उसके चिक्स नहीं आएंगे तो फिर वह ट्री जो है, जो आज जो इम्पोर्टेंस है लैबर्नम ट्री की, वह नहीं रह जाएगी, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी अगर वहाँ पे गोल्ड फिंच जो बर्ड है वहाँ पे आकर के ना रहे तो। अदरवाइज़ ये जो है एक अनदर जो एक नॉर्मल ट्री होते हैं उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही रह जाएगी, ओके। सो वेरी क्विकली आई एम मूविंग टुवर्ड्स द पोएम, इट वॉज द शॉर्ट समरी विच आई इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द पोएम, नाउ आई एम गोइंग टू डील दिस पोएम स्टैंजा वाइज। So there are some words which are related to this poem. The first one is the laburnum. Actually laburnum है क्या, मैंने आपको picture तो दिखाई, a tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds. हमने जैसे देखा कि हमारी जो in our language we used to know the laburnum tree as a अमलतास पेड़, हम जिसको यहाँ पे अपनी country में अमलतास पेड़ के नाम से जानते हैं, दैट इज़ एक्चुअली द लैबर्नम ट्री। सो हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स ब्रांचेस आर हैंगिंग, इट्स फ्लावर्स आर येलो कलर्ड एंड द मेन थिंग इज़ दैट इट्स सीड्स आर वेरी पॉइजनस, इसके जो बीज होते हैं वो बहुत पॉइजनस और जहरीले होते हैं, ओके। देन द नेक्स्ट वर्ड विच कम्स इन दिस पोएम दैट इज क्वाइट, क्वाइट मीन्स साइलेंट, शांत, स्टिल, स्टिल दैट मीन्स नॉट मूविंग और मेकिंग अ साउंड, ओके, स्टिल, शांत, जहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार के मूवमेंट ना हो, अचल, हिंदी में हम जिसे कहते हैं अचल। सडननेस, सडननेस मीन्स हैपनिंग विदाउट वार्निंग और इन अ शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम, सडननेस, अचानक से कुछ होना, जिसको कि हम कहते हैं उतावलापन, ओके, उतावला, उतावला, किसी काम को लेकर के उतावला होना, हैपनिंग विदाउट वार्निंग और इन अ शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम। स्टार्टल, स्टार्टल मीन्स टू सरप्राइज, चौंक जाना, स्टार्टल, सरप्राइज, चौंक जाना। देन द वन ऑफ द वर्ड ट्रेमर, ट्रेमर, ट्रेमर मीन्स इनवॉलेंट्री शेकिंग और मूवमेंट, कंपन होना, ट्रेमर, कंपन, इनवॉलेंट्री शेकिंग, ट्रेमर मीन्स कंपन, ओके, कांपना। देन द नेक्स्ट वर्ड इज थ्रिल, थ्रिल मीन्स सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट मीन्स किसी चीज को लेकर के रोमांचित होना। देन द नेक्स्ट वर्ड इज अलर्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलर्ट, इट इज क्विक टू नोटिस एनी unusual and potentially dangerous, vigilant, alert क्या होना, सावधान हो जाना किसी चीज़ को लेकर के, कुछ अचानक से जो होने वाला है, कुछ ऐसा dangerous या disastrous, तो alert, like जैसे coastal area में कभी ऐसे कुछ आता है तूफान वगैरह तो उनको पहले ही alert किया जाता है, okay? So alert, सावधान करना। startlement, startlement हमने जैसे स्टार्टल वर्ड पढ़ा था पीछे, स्टार्टल यानी कि सरप्राइज होना, है ना। सो स्टार्टलमेंट द स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग स्टार्टल, सो सडन सरप्राइज, सडन सरप्राइज यानी कि अचानक से सनसनी होना, अचानक से आश्चर्यचकित जैसा कुछ हो जाना। नेक्स्ट इज एब्रप्ट, एब्रप्ट मीन्स सडन, अनएक्सपेक्टेड, ओके, अचानक, जो कि चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो, जिसको कि पहले से एक्सपेक्ट नहीं किया गया हो, दैट इज एब्रप्ट, ओके। सो वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द वर्ड लाइक लैबर्नम, क्वाइट,
still, suddenness, startle, tremor, thrill, alert, startlement, abrupt. These are the some important word that is used by the poet. Okay, so now I'm going to start this poem. The first stanza of the poem is, the laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow, September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. Okay, so in this stanza, poet says that the laburnum tree and the top of the laburnum tree, top of its top, okay, so the top is very silent, there is no any movement, it's quiet, it's very calm, silent, no movement is there. So it is the scene of afternoon, and the month is September, when the sunlight is coming at the midday, it is afternoon. So the color of sunlight, that is also yellow colored, and the color of the tree, it is also its leaves, its branches, its flowers, everything is yellow colored. So everywhere it is yellow, but the top of the laburnum tree is very silent. Okay, so all it, and even the its seeds, it has fallen down. इसके जो सीड्स हैं वो गिर गए हैं. एंड द मेन थिंग इज द सीड्स ऑफ दिस ट्री, लैबनम ट्री सीड्स, दे आर वेरी पॉइजनस, ये बहुत जहरीले होते हैं. तो इस स्टैंजा में कवि जो है वो यह कहना चाहते हैं कि जो लैबनम ट्री है, अमलतास का जो पेड़ है, वो बहुत ही साइलेंट है, शांत है, क्वाइट है ना, उसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है. ओके, सो एट द स्टार्टिंग अगर हम देखें, जहाँ पे कवि ने कविता की जो शुरुआत की है पोएम की, वहाँ पे ये जो ट्री है वो बहुत साइलेंट है और उसमें कोई मूवमेंट नहीं है. और वो सितंबर मंथ के आफ्टरनून की बात, आफ्टरनून यानी कि दोपहर के समय की बात है, और उस समय जो ट्री है, इवन द सनलाइट, देन द लीव्स एंड द फ्लावर्स, एवरीथिंग इज येल्लो. सनलाइट का कलर येल्लो, लीव्स का कलर येल्लो, फ्लावर्स का कलर येल्लो, सो एवरीथिंग इज येल्लोइंग. ओके, एंड द सीड्स, इवन द सीड्स हैज फॉलन, इट्स कलर इज ऑल्सो येल्लो. जो सीड्स गिर गए हैं उनका कलर येल्लो है, बट द मेन थिंग इज ये जो सीड्स होते हैं, दिस सीड्स आर वेरी पॉइजनस, ये बहुत पॉइजनस होते हैं. ओके, नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टैंजा. टिल द गोल्ड फिंच कम्स with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then slinks as a lizard, and alert and abrupt she enters into the thickness, and a machine starts up of chittering, and a tremor of wings and trailings. Okay, so in this stanza, poet says that there was on silent quietness at the top of the laburnum tree till the goldfinch comes. As soon as till goldfinch come, okay, then the goldfinch started twitching, it started to speak its language, that is chirping. Okay, so suddenly there was a noise and there was a movement on the tree. Okay, on the branch of tree. And the poet compare the bird, this goldfinch bird, with lizard. Okay, why he is comparing this goldfinch with lizard? Because the lizard, as she is alert, abrupt, similarly
द गोल्ड फिंच बर्ड कंटेन्स द सेम क्वालिटीज. ओके, लिजर्ड लाइक शी स्लीक एब्रप्ट अलर्ट सेम सेम इज द गोल्ड फिंच. ओके, वैन शी एंटर्स इन टू द थिक ब्रांच ऑफ द ट्री. ओके, सो द ट्री, ओके, movement started there. ओके, why? Because the bird started twitching off wings and chirping in bird language PPT. So इसमें जो है कवि जो है वो यह बताना चाह रहे हैं कि ये जो गोल्ड फिंच है वो क्या है, वो जैसे अभी तक उसके आने के पहले वहाँ पे बहुत ही साइलेंट था, लैबर्नम ट्री पे कोई भी मूवमेंट नहीं थी. ओके, सो व्हेन जैसे ही गोल्ड फिंच पक्षी जो है वहाँ पे आता है, चारों तरफ वहाँ पे मूवमेंट हो जाती है, उस पेड़ में लैबर्नम ट्री में मूवमेंट, अमलतास के पेड़ में मूवमेंट हो जाती है. क्यों हो जाती है? बिकॉज ट्विचिंग ऑफ विंग्स, वो अपने जब विंग्स को फड़फड़ाती है तब, एंड व्हेन शी स्टार्ट टू स्पीक इन बर्ड लैंग्वेज दैट इज़ चिरपिंग, वो चहचहाती है तब. ओके, सो सडननेस, अचानक से वहाँ पे क्या होता है, ब्रांचेस में जो है वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. इस कविता में पोएट ने जो है इस गोल्ड फिंच पंक्श बर्ड की कंपेयर जो है वो लिजर्ट से की है, लिजर्ट यानी छिपकली. क्यों की है लिजर्ट से? क्योंकि उसके पास जो प्रॉपर्टी है लाइक वो स्लिक, स्लिक मीन्स स्मूथ होना, स्मूथ. ओके, अलर्ट, अलर्ट मीन्स सावधान. ओके, एब्रप्ट अचानक, ये क्या करती है लिजर्ट, जैसे ही अपने प्रे को यानी अपने शिकार को देखती है तो वो क्या करती है, वो एकदम सावधानी से स्मूथली वो जाती है और अचानक से अपने प्रे यानी कि अपने जो शिकार को वो पकड़ लेती है. ओके, सो इसलिए दैट गोल्ड फिंच इज कंपेयर्ड विथ लिजर्ट. ओके, देन शी एंटर्स इन टू द थिकनेस, वो जो है एक घनी जो ब्रांच है उसमें जाती है वो, जो कि ब्रांच बहुत थिक है. ओके, और वो जैसे ही वो मूव करती है तो उसके मूवमेंट से, ये पोएट ने अगेन एक कंपैरिजन की है इस गोल्ड फिंच बर्ड की, किसके साथ कंपैरिजन की है, फर्स्टली द गोल्ड फिंच इज कंपेयर्ड विद द मूवमेंट ऑफ लिजर्ट लाइक हाउ शी इज स्लीक, शी इज अलर्ट, शी इज एब्रप्ट. ओके, देन अगेन द पोएट हैज कंपेयर्ड दिस गोल्ड फिंच विद मशीन. ओके, द इंजन ऑफ मशीन. ओके, सो एनीवन कैन टेल मी व्हाट डज द इंजन ऑफ मशीन डू? एक्चुअली फॉर द वर्किंग ऑफ एनी काइंड ऑफ मशीन इट इज़ नेसेसरी द इंजन. एनी मशीन कैन नॉट रन, ना कोई भी मशीन इंजन के बिना नहीं चल सकती, वेदर इट इज़ एनी काइंड ऑफ मशीन और इट इज़ एनी काइंड ऑफ व्हीकल. ओके, कोई भी व्हीकल है उसमें इंजन होता है, देन ओनली इट कैन स्टार्ट और इट कैन रन. ओके, सो वैसे ही विदाउट इंजन, इंजन के बिना कोई मशीन नहीं चल सकती, सो इट प्रोवाइड्स द एनर्जी. ओके, जैसे कि एक इंजन क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, तभी उस मशीन में मूवमेंट होती है, इट स्टार्ट्स अप. सिमिलरली दैट गोल्ड फिंच बर्ड इज द इंजन ऑफ हर फैमिली. गोल्ड फिंच जो है, कवि ये कह रहे हैं कि गोल्ड फिंच अपनी फैमिली के लिए एक इंजन है. ओके, देन ये एक इंजन कैसे हो सकती है, हाउ कैन वी कंपेयर दैट एक मशीन. ओके, इंजन दैट मीन्स इट इज़ अ मशीन एंड वी आर कंपेयरिंग वन ऑफ द नॉन लिविंग थिंग विद द लिविंग थिंग. बर्ड एक लिविंग थिंग है और मशीन एंड इंजन इट इज़ द नॉन लिविंग थिंग, बट देर इज़ अ कंपेरिजन बिटवीन दैम. वाई सो, क्यों की गई है ये कंपेरिजन? बिकॉज एज इंजन इज वेरी मच नेसेसरी और द इम्पॉर्टेंट फॉर टू स्टार्ट अप द मशीन, सिमिलरली दिस बर्ड गोल्ड फिंच प्रोवाइड द फूड. ओके, फूड फॉर हर चिक्स, फॉर हर यंग वंस, वो अपने यंग वंस, अपने बच्चों के लिए फूड प्रोवाइड करती है. ओके, व्हाट डज शी डू, वो क्या करती है, वो जो है वो शी कलेक्ट द प्रे
वो उनके लिए लेके आती है खाने के लिए और उनको ला करके अपने बच्चों को खिलाती है. ओके सो जब वो आती है सो बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ मदर ऑफ चिक्स होल द ट्री स्टार्टेड थ्रिलिंग. ओके उसमें पेड़ में बहुत ही मूवमेंट होती है. क्यों मूवमेंट होती है? क्योंकि बच्चे भी दे द चिक्स ऑफ द बर्ड दे स्टार्टेड वेरी दे मूवमेंट बिकॉज ऑफ टू सी हर देयर मदर. वाई सो? बिकॉज दे आर वेरी एक्साइटेड टू गेट द फूड. वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनकी मदर जो है उनके लिए फूड लेके आई है. सो गोल्ड फिंच इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी. गोल्ड फिंच भी क्या है? उनके लिए एनर्जी का एक सोर्स है. उनके बिना, गोल्ड फिंच के बिना उनके जो बच्चे हैं वो खाना अगर उनको नहीं मिलेगा तो उसकी फैमिली नहीं चल पाएगी. जिस तरीके से इंजन के बिना मशीन नहीं चल सकती, वैसे ही गोल्ड फिंच जो है अपने बच्चों को फीड करती है ना, तो उनके बिना उनकी फैमिली नहीं चल सकती. ओके सो हियर द पोएट हैज़ कंपेयर्ड विथ लिजर्ड एज वेल एज द इंजन ऑफ द मशीन. सो इंजन इज़ द सिंबल ऑफ एनर्जी. ओके सो शी प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फैमिली जस्ट लाइक द इंजन ऑफ द मशीन. ओके नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट. द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स. इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली. शी स्ट्रोक्स इट फुल दैन फ्लॉट आउट टू अ ब्रांच एंड showing her beard face identity mask. okay the whole tree, ye jo pura ped hai that started trembles and thrills. pura ped kya hota hai? thrill yani romanchit. aur trembles kya hota hai? wo hilna kaapna shuru ho jata hai. okay why so? because as when the engine started the whole machine started ट्रैम्बल्स. वहाँ पे क्या होता है? अगर इंजन शुरू हो गया तो मशीन क्या होती है? उसमें मूवमेंट आ जाती है. ओके और वहाँ पे गति हो जाती है. सिमिलरली पूरे पेड़ में द होल ट्री स्टार्टेड थ्रिल्स एंड ट्रैम्बल्स. ओके शी स्ट्रोक्स इज फुल देन फ्लॉट आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहे हैं कि उसका जो फेस है वो बेयर्ड फेस है. बेयर्ड फेस यानी कि उनके फेस पे धारियाँ, ऐसे लंबी लंबी लकीरें होती हैं उसके फेस में. मैंने आपको स्टार्टिंग में उसके फेस का भी फोटो दिखाया था. यू कैन सी द बेयर्ड फेस. ये आपके फेस में उसमें कुछ, उसके बॉडी में भी आपको कुछ धारियाँ दिख रही हैं, ऐसे स्ट्राइप्स बने हुए हैं. ओके सो बेयर्ड फेस ऑफ गोल्ड फिंच इट शोज दैट इट शोज दैट इट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ हर. ये जो उसका फेस है वो सब उसकी पहचान है. अदरवाइज शी लुक्स लाइक अदर्स अदर बर्ड्स ना. ये जो उसके फेस के जो बर्ड फेस है वो उसकी पहचान बन जाते हैं, अन्यथा वो क्या होती? अन्य बर्ड की तरह ही वो दिखती. ओके एंड एट द लास्ट वैन शी फ्लॉट आउट टू अ ब्रांच इन, और जब वो उस ब्रांच से उड़ के चली जाती है एट द एंड, सो द होल ट्री अगेन द होल ट्री एंड द टॉप ऑफ द लैबर्नम ट्री इट्स अगेन बिकम क्वाइट साइलेंट. देयर इज नो एनी मूवमेंट. ओके जब गोल्ड फिंच पक्षी जो है उड़ के वहाँ से चला जाता है तो अंत में वापस फिर से उस पेड़ में चारों तरफ साइलेंट हो जाता है. वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता. ओके सो अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द थीम ऑफ दिस पोएम. द फर्स्ट थ्री लाइन्स ऑफ द पोएम इम्प्रेस अपॉन द रीडर ऑफ स्टिलनेस, है ना. वहाँ पे क्या थी? स्टिलनेस थी, शांति था, काम था, क्वाइटनेस था. ओके एंड जो गोल्ड फिंच, व्हेन द गोल्ड फिंच कम्स, जब गोल्ड फिंच पक्षी आता है द ट्री बर्स्ट विथ मूवमेंट. जैसे ही गोल्ड फिंच आया वहाँ पे वो चारों तरफ आवाज़ें होने लगी और मूवमेंट आने लगी. ओके देन द बर्ड्स फैमिली लॉजेस इन द थिकनेस ऑफ द ट्री.
अब बर्ड जो गोल्ड फिंच है उसने अपने बेबी और चिक्स को कहाँ पे रखा जा करके, जो पेड़ जहाँ पे बहुत थिक था, घना था. ओके, द गोल्ड फिंच एंटर्स द ट्रीज थिकनेस टू फीड हर यंग वंस एंड फ्लाइज अवे. वो वहाँ पे क्यों आई थी? वो अप उसके जो यंग वन, उसके जो चिक्स थे, अपने बच्चों को वो खिलाने के लिए आई थी. और जब उसने उनको खाना खिला दिया, वेन शी केम, तो उसके बच्चे, वो बर्ड, सब सब में इतनी मूवमेंट थी कि वो पूरा पेड़ जो है वो हिल रहा था. और जब उसने अपने बच्चों को खिला दिया, देन शी फ्लाइज अवे, वो उड़ के चली गई. अगेन द ट्री बिकम साइलेंट. उसके जाने के बाद लास्ट में वो पेड़ फिर से क्या हो गया? शांत हो गया, बिकॉज द बर्ड फ्लाइज अवे. ओके, इन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू कि वो जो गोल्ड फिंच पक्षी है वो अपने बच्चों को वहाँ पर ही क्यों रखती है? बिकॉज वो जो लैबर्नम ट्री है उसके जो सीड्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं. इसलिए उस पेड़ में और जो बर्ड या और कोई जो है उसको खाने को नहीं आते हैं. दैट्स वाई फॉर अ सेफ्टी रीजन शी कीप हर चिक्स देयर. ओके, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू सम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोएम. मैं आपको इसमें जो है कुछ फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में डिस्कस की है, पोएट ने जो यूज़ किया है उसके बारे में आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगी. फिगर ऑफ स्पीच जो है, जैसे कि हम जानते हैं हिंदी में जो हमारा कविता कभी होती है तो उसमें हम अलंकार को पढ़ते हैं, राइट? सो सिमिलरली हेयर इट इज सम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच लाइक एलिट्रेशन. ओके, एलिट्रेशन जो है वो अनुप्रास अलंकार है. द वर्ड विच इज़ यूज बाय द पोएट, सेप्टेम्बर सनलाइट, हमने फर्स्ट स्टैंजा में इसको पढ़ा था. यहाँ पे जो है देर इज़ अ रिपीटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर साउंड इन अ सेंटेंस. ओके, एक वर्ड में एक साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, दैट इज एस एस सेप्टेम्बर, अगेन एस इट इज सनलाइट. ओके, सो द मंथ इज सेप्टेम्बर एंड द सनलाइट इज कमिंग ऑन द टॉप ऑफ द लैबर्नम ट्री. देर आर सम मोर एग्जाम्पल रिलेटेड टू एलिट्रेशन. इट इज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स, एफ, एफ साउंड इज देयर. शीप शुड स्लीप इन अ शेड, एस, श श श साउंड इज देयर, इट इज एस एच. शीप एस एच, शुड एस एच, स्लीप इन अ शेड, एस एच. ओके, अगेन द सेवन सिस्टर्स स्लैप साउंडली ऑन द सैंड, एस, एस साउंड इज देयर. सो एलिट्रेशन मीन्स देयर इज द रिपीटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर साउंड. And here there is SS sound is repeating. Okay, that is in word sentence September sunlight. Now simile. Simile that means a comparison between two unlike object. जब हम दो अलग अलग object के बीच में comparison करते हैं तो हम उसको simile करते हैं. For this we use word like, as, है ना. यहाँ पे हम लाइक या एज वर्ड का उपयोग करते हैं. सिमिली मीन्स क्या होता है? उपमा. हिंदी में हम जिसको उपमा अलंकार कहते हैं, दैट इज सिमिली. ठीक है, तो यहाँ पे कवि ने जो है, द पोएट हैज़ यूज्ड वन ऑफ द सिमिली, स्लीक एज अ लिजर्ड. ओके, स्लीक एज अ लिजर्ड. पोएट की जो बर्ड है, बर्ड को उन्होंने कंपेयर किया है कि वो स्लीक है. स्लीक यानी कि स्मूथ है. किसके जैसे स्मूथ है? लिजर्ड के जैसे, छिपकली के जैसे. ओके, तो एज, लाइक, जब हम ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ए एस या लाइक, तो वहाँ पे दैट इज सिमिली, उपमा अलंकार. लाइक का पेस्ट, लाइक का वार और फाइट. एज ब्राइट एज सन, उतना ही चमकीला जितना कि सन है. तो हम इस तरीके से बोल करके अनलाइक ऑब्जेक्ट, जैसे कि ब्राइट और सन, है ना, एज ब्राइट एज सन. ओके, तो हमने यहाँ पे पोएट ने सिमिले का भी यूज़ किया है. देन ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? इन विच इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग एन एपिथेट फ्रॉम द थिंग इट एक्चुअली डिस्क्राइब टू समथिंग एल्स इन द सेंटेंस. इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि जो कोई ह्यूमन की फीलिंग है उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं. किसमें? किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं. हर बेयर्ड फेस, आइडेंटिटी मास्क. ओके, यहाँ पे जो है, जो बर्ड है, बर्ड का जो फेस है, दैट इज़ लिविंग, हर बेयर्ड फेस. ओके, अब उसकी कंपैरिजन की गई है आइडेंटिटी मास्क, मास्क से.
मास्क क्यों? क्योंकि वो उसकी अब पहचान बन गया है, जो उसका जो बैड फेस है आज वही उसकी रिकॉग्निशन है, उसकी पहचान है. अदरवाइज शी लुक्स लाइक अनदर बर्ड. पर्सोनिफिकेशन मीन्स क्या होता है? एट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्सनल नेचर और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब मानवीकरण अलंकार, जिसमें कि पूरा पेड़ जो है वो क्या करता है, क्या कहा गया है पूरे पेड़ को, कि होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ जो है वो कांपने लगता है. ठीक है, तो वो कांपेगा कब, या थ्रिल एक्साइटेड कब होगा, उत्तेजित कब होगा पेड़, है ना? तो वहाँ पे क्या किया गया है, उसकी कंपैरिजन, पेड़ की कंपैरिजन किससे की गई है? द ट्री इज़ द नॉन लिविंग, वेयर इज द ह्यूमन बींग्स, इट कंटेन्स दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, सो इट इज़ पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण. ओके, देन द नेक्स्ट इज मेटाफोर. मेटाफोर में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. किनकी कंपैरिजन कर रहे हैं? दो ऑब्जेक्ट की. पर जैसा कि हमने सिमिली में लाइक और एस का यूज़ किया था, वैसा हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, द स्नो इज़ वाइट ब्लैंकेट, इस तरीके से. यहाँ पे कवि ने एक यूज़ किया था, अ मशीन ऑफ अ चिटरिंग, मशीन ऑफ अ चिटरिंग. तो यहाँ पे जो है पोएट ने बर्ड की कंपैरिजन जो है वो मशीन से की थी. ओके, उसकी फैमिली की कंपैरिजन मशीन से की थी, और जो गोल्ड फिंच है वो इंजन ऑफ द मशीन है. ओके, सो कवि ने इसका टाइटल ऐसा क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे जो गोल्ड फिंच है वो ट्री क्या है, वो अपने यंग वन को फीड करती है, और वो जो वैसी ही सिचुएशन थी लैब्रनम टॉप की, दैट्स वाई दैट टाइटल हैज़ बीन गिवन. सो ओके, Now it is the time, because due to the lack of time, I am going to ask some of the questions, and this is the time to do the exercise. Okay, so the question is, what laburnum is called in your language? हमारी language में, हमारी भाषा में हम laburnum को क्या कहते हैं? Okay, option A is amaltas, B is chameli, C is gulab, and D is gudhal. Okay, so please type your answer into the chat box. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज. लैबरनम को क्या कहा जाता है, अमलतास कहा जाता है कि क्या कहा जाता है? सो आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्सेज. उमेश, वेरी गुड. दलसी रावत, गुलशन, हेमलता, रंजिता, ताराचंद, ट्विंकल, वेरी गुड. आई एम गेटिंग सो मैनी रिस्पॉन्सेज फ्रॉम योर साइड. नारायण, प्रकाश, मोहन, लता, तन्या, सागर, अनिशा, सुमित, मोहन, आकांक्षा, मुस्कान, भावना, अन्नपूर्णा, चमेली, योगिता, लता, भूपेंद्र, मुकेश, उषा, वेरी गुड. सो मैनी रिस्पॉन्सेज आर कमिंग फ्रॉम योर साइड, एंड द राइट आंसर इज अमलतास ना. ओके, सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंडियन बर्ड लुक्स लाइक गोल्ड फिंच? ऐसी कौन सा इंडियन बर्ड है जो कि गोल्ड फिंच की तरह दिखता है? ऑप्शन ए इज स्पैरो, सेकंड इज इंडियन ल्यूटिनो रिंग नेक, सी इज स्वैन, डी इज क्रेन. ओके, विच इंडियन बर्ड्स लुक लाइक गोल्ड फिंच? स्पैरो, इंडियन ल्यूटिनो गोल्ड बर्ड, रीना, दानी, सो मैनी रिस्पॉन्सेज अगेन कमिंग फ्रॉम योर साइड. हेमलता, तन्या, रंजिता, ओके, ललित, कमलेश, सो मैनी रिस्पॉन्सेज आर कमिंग, वेरी गुड. एंड द राइट आंसर इज द बी, इट इज बी, एंड राइट इज करेक्ट आंसर इज बी, इंडियन ल्यूटिनो रिंग नेक. उसके रिंग में नेक लगी हो, नेक में रिंग होती है, जो कि उस साइड तरीके से वो दिखता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द ट्री सिचुएटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पोयम? पोएम की स्टार्टिंग में पेड़ कैसा था? फुल ऑफ मोशन, काम एंड साइलेंट, डांसिंग विथ विंड, नन ऑफ दिस. फुल ऑफ मोशन, काम एंड साइलेंट, पुरित, दानेश्वर, दानी, तनय, ताराचंद, सो मैनी रिस्पॉन्सेज आई एम गेटिंग फ्रॉम योर साइड. हेमलता, अनीता, मुस्कान, मुकेश, उमेश, दामेंद्र, प्रकाश, वेरी गुड. एंड द राइट आंसर इज काम एंड साइलेंट, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर. लता निषाद, वेरी गुड. आकांक्षा, सुनीता, प्रियांशु, ओके, सो राइट आंसर इज काम एंड साइलेंट. स्टार्टिंग में पोएम की स्टार्टिंग में ट्री कैसा था? काम, शांत. टू वॉट इट्स अ गोल्ड फिंच मूवमेंट कंपेयर? गोल्ड फिंच की कंपेयर किससे की गई? स्नेक, लिजर्ड, स्क्वीरस, लेपर्ड. वेरी क्विकली गिव द रिस्पॉन्स, आई एम वेटिंग फॉर इट.
यस द राइट आंसर इज गोल्डफिंच की कंपैरिजन किससे की गई है. यस इट इज बी लिजर्ट. वेरी गुड हेमलता, मिथिलेश, मुकेश, रिपांशु, पुरी, उमेश, दानी, हेमलता, साहुल, उमेश. वेरी गुड, इट इज लिजर्ट. ताराचंद, वेरी गुड. कमलेश, तान्या, मोहन, मीनाक्षी, सुनीता, चमेली, पंचरम, वेरी गुड. सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन. इट इज इमेज ऑफ इंजन इवोक बाय द पोएट. इस कविता में कवि ने इंजन की तुलना किसके लिए की है. एनर्जी, वीकनेस, मोशनलेस, नन ऑफ दिस. एनर्जी, वीकनेस, मोशनलेस, नन ऑफ दिस. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज. वट इज द राइट आंसर. यस आई एम गेटिंग रिस्पॉन्सेज. राजेंद्र, मेघा, डोमेंद्र, यादव, रसमरी, पुरीत, ननिहाल, मिनकेत, मेघा, अदिति, अन्नू, नरेंद्र. वेरी गुड, द राइट आंसर इज एनर्जी. ओके, नाउ दिस इज द टाइम फॉर द मेंटी क्वेश्चन एंड देयर इज द वन स्लाइड फॉर द होमवर्क ऑल्सो. शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट. वाई इज द इमेज ऑफ इंजन इवोक्ड बाय द पोएट. डिस्क्राइब द लैबर्नम ट्री. What happened when the goldfinch came to the laburnum tree? How is the tree transformed during the bird's visit? And explain the line and the laburnum subsides to M2. These are the questions. You must write these answers. Okay? Then right answers obviously will be uploaded into the website of our state board. Now this is the time for the mentee question. 5 questions will be there. You ब्राउज में उनको टाइप करना है ना menti.com. प्लीज़ टाइप menti.com इनटू योर वेब ब्राउज़र. ओके, टाइप menti.com इनटू द योर वेब ब्राउज़र. आप वेब ब्राउज़र, आप जो भी वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम है, ओके, जो भी वेब ब्राउज़र है आपके पास, उसमें आप menti.com को टाइप करेंगे. उसके लिए कोड है क्या, 4296969. आपको ये मेंटी के क्वेश्चंस आएंगे, आपको बहुत क्विकली उसको रिस्पॉन्ड करना है. ठीक है, ओनली 5 क्वेश्चंस आर देयर. ओके, टाइप www.menti.com. आप अपने ब्राउज़र में इसको टाइप करिए, www.menti.com. ओके, आपका जो कोड है 4296969, आपसे कोड पूछेगा, आप उसको टाइप करिए 4296969. वेब ब्राउज़र में आप उसको टाइप करिए www.menti.com. ओके, आपको ये टाइप करने के बाद कोड पूछेगा, आज का कोड है 4296969. ओके, सो जो भी आंसर सबसे फास्ट. द फुल नेम ऑफ पोएट, द लैबर्नम टॉप के पोएट का नाम. ए इज एलन ट्रेवर, बी इज एडवर्ड जेम्स, सी इज टेड एंड डी इज द एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूए. वेरी गुड, द राइट आंसर इज डी, एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूए. The second question is, in which month laburnum tree clad in yellow leaves and flowers? Which month? January, July, September, November. Which month? January, July, September, November. Very good. Most of the student has given the right answer. It is September. Very good. Now the third question. What do you notice at the end of the poem? Poem ke end mein aapne kya notice kiya? Emptiness, movement, energy, none of these. Emptiness yani khalipan, full of movement, full of energy, none of these. The right answer is emptiness. Okay, right answer is emptiness. Most of the student has given the right answer. It is emptiness at the end of the poem. It is
फोर्थ क्वेश्चन, गोल्डफिंच एंड लिजर्ड कंपेयर्ड विद द मूवमेंट एज, गोल्डफिंच और लिजर्ड की कंपेयर्ड, अलर्ट एब्रप्ट, बोथ अलर्ट एंड एब्रप्ट, नाइदर अलर्ट नॉर एब्रप्ट, बोथ अलर्ट एंड एब्रप्ट, अलर्ट एब्रप्ट, अलर्ट एब्रप्ट, बोथ अलर्ट एंड एब्रप्ट. द राइट आंसर इज सी, इट इज बोथ अलर्ट एंड एब्रप्ट, बोथ इट इज. देन द लास्ट क्वेश्चन, इट इज द वर्ड यूज इन द पोएम विच मीन्स कवरिंग, कवरिंग, मास्क, इंजिन, फ्लटरिंग, ट्रैम्बल्स. Very good. Most of the student has given the right answer. It is mask. Very good. So now this is the time to get the result of the mentee question. Very. Good. You all of you have participated very well. I'm so happy that you have attended this session very attentively. That's why you have given the right answer. So very good for your participation. I got so many answers during the exercise as well as the mentee question. Even I have given some of the homework to you. So you write these answers to your notebook, okay? And after few days, you will get the right answer into the website of our board. State board, okay? So I think you have learned this poem which is by Ted Hughes, and this is the laburnum top, and we get knowledge about the tree, that is the laburnum top, Amaltas ka ped, and about the goldfinch bird. Okay, thank you.